दोस्तों माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, फिर चाहे वो आम लड़की हो या बॉलीवुड एक्ट्रेस। लेकिन ये सपना अगर शादी से पहले पूरा हो जाए तो लड़की कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाती। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला कुछ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों के साथ, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपनी जिंदगी उस इंसान के नाम करनी पड़ी जिसका बच्चा उनके पेट में पल रहा था। कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना किरदार बखूबी निभाया है। लेकिन ये चर्चा में तब आई जब इन्होंने रणवीर शोरी से शादी कर ली और शादी के बाद 5वें महीने में ही इनको बच्चा पैदा हो गया। और जब ये बात सभी लोगों के सामने आई तब ये पता चला कि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और इन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। फिलहाल इन दोनों का तलाक हो चुका है। श्रीदेवी। श्रीदेवी भी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी क्योंकि इनका बोनी कपूर के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था। और जब ये प्रेग्नेंट हुई तो बहुत ही जल्दी बोनी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली। महिमा चौधरी। महिमा चौधरी को बॉलीवुड में कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन माना जाता है। उनका नाम बहुत बार सुभाष घई के साथ जोड़ा गया तो बहुत बार कालाधन के साथ जोड़ा गया। जब उन्होंने बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की तब ये बात सामने आई थी कि वे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। अब उनकी बच्ची काफी बड़ी हो चुकी है। कैटरीना कैफ। कैटरीना का अफेयर सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ रहा। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब कैटरीना को अबॉर्शन कराते हुए 3 से 4 बार स्पॉट किया गया और बाद में साफ हो गया कि वो प्रेग्नेंट थी। कैटरीना के पेट में किस हीरो का बच्चा था ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है। क्या आप बता सकते हैं कि कैटरीना के बच्चे का बाप कौन था, सलमान, रणवीर या कोई और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बॉलीवुड में करियर बनाना बेहद ही कठिन काम होता है, जो सबके बस की बात नहीं होती। कड़ी मेहनत और लगन के बाद या कुछ गलत तरीके से जाकर बनता है बॉलीवुड में करियर। हर अभिनेत्री को अपने करियर की शुरुआत करने के लिए किसी न किसी बात का समझौता करना ही पड़ता है। यदि किसी अभिनेत्री का करियर बीच में रुका हो या आगे नहीं बढ़ रहा हो तो वे समझौते के दम पर ही अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का जिक्र कई बार अभिनेत्रियों ने किया है लेकिन सबसे अधिक संगीन मामला जो था वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का मामला था। कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि अपने करियर के लिए एक निर्देशक के साथ ऐश्वर्या राय हम बिस्तर हुई थी। बता दें कि फिल्म ताल के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद ऐश्वर्या का करियर थमसा गया था। धीरे धीरे उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी, यहाँ तक कि उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई थी। इसके कुछ समय बाद बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय दिखी, जिसमें उनके साथ सलमान खान ने अभिनय किया था। इस फिल्म में उस वक्त की कई बड़ी अभिनेत्रियों को काम करने का मौका मिला जिसमें महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला शामिल थी। लेकिन इन सबको छोड़कर ऐश्वर्या राय लीड रोल में नजर आई। बता दें कि कई बड़ी अभिनेत्रियों को हटाकर ऐश्वर्या राय को अचानक रोल मिलना सबको चौंका देने वाला था। तब अभिनेता शक्ति कपूर ने ये दावा किया था कि ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में सुभाष घई के साथ हमबिस्तर होने का समझौता किया था। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने इस बात के लिए मना किया और इस बयान के लिए माफी भी मांगी थी। इस फिल्म के समय ऐश्वर्या राय के बॉयफ्रेंड सलमान ने निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ भी मारा था, जिससे लोगों का शक यकीन में बदल गया था। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या वाकई में ऐश्वर्या राय ने फिल्म में काम पाने के लिए समझौता किया था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।